निका आज के दिन का लास्ट सरप्राइज है, अमन ने देनी थी मम्मी को। ये फिगर मुझे दे दे। तो मेरी बड्डी ने आज सारे बर्तन निकाल दिए हैं। डॉक्टर साहब उसकी बीमारी ठीक कर दर काशी में इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है, आज यहीं रहना चाहता है। अगर ये मेरी मम्मी बहुत भोली है, तो मम्मी के लिए जूते लाए थे वो मम्मी को बिल्कुल सारी मेरी मम्मी की पसंद की है। बाकी बेटे ने तेरे लिए क्या लाया, ये अपने लिए ग्लास वगैरह देख रही है। मेरे चाचा को लूट दिया सारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से, और कल रात को मैं बड्डी के साथ सोई थी, पूरी रात भर हमने गप्पे मारी, सुबह तक हम बिल्कुल नहीं सोए। तो 6-7 महीने की हमारी जितनी भी गप्पे रह रखी थी हमने कल रात को सारी मार दी। यहाँ की बात करें अगर तो यहाँ भी सभी लोग उठ गए हैं, कुछ साफ सफाई में लग गए हैं। उनकी बात करें तो मौसम भी आज पूरा साफ है, अभी धूप नहीं लगी है, धूप लगने में अभी टाइम है। जब कई दिनों बाद अपने घर आओ तो साफ सफाई ही पूरी नहीं होती है, तो मेरी बड्डी लग गई है अपनी साफ सफाई में। तो बड्डी हाय, कैसा लग रहा घर आके? ये हो गए साफ सफाई करने के लिए फिर से। कल तक हरियाणा थी, आज गढ़वाल आ गई, तो आ गई फिर अपनी पहाड़ी वाली हरकत पे और लग गई काम पे। हाँ सुबह सुबह मेरी बड्डी का आज कथा लग रखी है, टीवी की स्क्रीन गायब है, बस आवाज ही आ रही है उससे। और वैसे भी आज स्क्रीन देखने का टाइम है नहीं, और मेरी चाची भी उठ के आ गए। चाची टीवी देख, पहले देख तो। डॉक्टर साहब उसकी बीमारी ठीक कर दो। तो टीवी हमारी ऐसी आ रही है, और हमारे घर में एक सदस्य ऐसा है कि मैं कल से जब से यहाँ आ रखी हूँ, मैं एक चप्पल यहाँ पे है, दूसरा चप्पल पता नहीं कहाँ गायब कर रखा है, कहाँ छुपा रखा है। कल रात से मैं वो चप्पल ढूंढ रही हूँ, पर चप्पल मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख रखा चप्पल। तो अभी मेरे चाचा की भी गुड मॉर्निंग हो गई है, और जिसने मेरी चप्पल छुपा रखी है वो अभी घोड़े गधे बेच के सो गया है, और चाची भी लग गई है सफाई करने पे। तो अब अबू की चप्पल पहन के मैं यहाँ से घर जाऊंगी। मेरी बड्डी लग गई है खिड़की दरवाजे सब साफ करने पे। क्या करे भाई? करना पड़ेगा भाई। तो अपने घर आके मुझे भी अभी घर की पूरी साफ सफाई करनी है, और मेरी माँ पापा उठ गए हैं, बाकी हमारे घर में भी 2 लाडले सो रखे हैं जिनका अभी दरवाजा भी नहीं खुला है। तो जितने में मैंने घर की सारी साफ सफाई निपटाई, उतने में घर के 2 लाडलों का उठने का समय भी हो गया है, और उठ के एक फोन चला रहा है और दूसरा भी, तो इनके कुछ काम धाम नहीं है। तो ये अभी अपनी बेबी को गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कर रहे हैं, और तू रे फोन अपडेट कर रहा है। ये बहुत शरीफ बनता है, ये जितना शरीफ बनता है उतना ये है नहीं, ठीक है, ये लोगों को दिखाने के लिए और मुझे दिखाने के लिए, पर मुझे इसके काले चिट्ठे सारे पता हैं। अभी घर के साहब जादे उठे हैं, तो मैं इनके लिए पानी लेके आऊँगी, तब तक ये अपनी बेबियों को गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करेंगे। और मैं तो सोच रही थी कि मैं पानी लेके आऊँगी, पर तब तक मेरी माँ ने चाय भी चेंज करता हूँ उनके गले में भी डाल दो। तो मेरी मम्मी की सब्जी फूक गई है, क्योंकि मेरी मम्मी का 3रा लाडला अभी आने वाला है नाश्ता करने के लिए। और अब जितने दिन ये यहाँ रहेंगे उतने दिन मेरे को यहाँ कोई नहीं पूछेगा, तो मेरे को पूछने वाली मेरी बड्डी आ गई है। अब मैं अपनी बड्डी के यहाँ ही ज़्यादा दिखूंगी, क्योंकि यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। तो अभी मैंने अपने घर के लाडलों के लिए चाय भी बना के ला दी है, ये चाय पीता है पर ये चाय नहीं पीता है। बचपन से हमने इसके साथ एक अत्याचार कराया कि इसे चाय नहीं दी है। तो अभी देखा देखी में ये भी चाय पिएगा। शुभम और अमन तो अभी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब तक अबू और मैं नाश्ता कर लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, है ना। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने आलू चने बना रखे हैं, और साथ में रोटी। मैं तो लौकी ढूंढ रहा था। मां ढूंढ भाई, मैं तेरे पैर में पड़ती, यहाँ लौकी मां ढूंढ। अभी बोल तो, अभी बना देगी मेरी मम्मी लौकी कहानी। तो अब ये आए हैं तो कुछ अलग खाने को मिलेगा, लौकी और चचेड़े खाने को नहीं मिलेंगे मुझे। इसका नाना धोना भी हो गया है, और नहा धो के ये पूजा पाठ कर रहा है। बाकी एक साहब जी यहाँ पे फोन चला रहे हैं, और दूसरे भी फोन चला रहे हैं। माँ सबसे अच्छे बच्चे मैं और अबू है ना, तो मैं और अबू सबसे अच्छे हैं, तो मैंने और अबू ने खा दिया है। बाकी बचा कुचा खाना जो घर के नौकर होते हैं वो खाते हैं,
जो ये खा रहे हैं तो लग रहा है बचा कुचा खाना खा के। मुझे तो उम्मीद नहीं थी मैं छोड़े आ गया मालिक। मैंने दया खाई इन पे और घी का तो सीधे डब्बा ही रख रखा है मुंह के आगे। खाएंगे भले ही उस पे तो लग भी जाएगा पर यहाँ तो भगवान कुछ नहीं लगेगा। शुभम ये फिगर मुझे दे दे यार, तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे। तुम इसे भी ऐसे कर दोगे। मेरी बड्डी लगी हुई है यहाँ पे साफ सफाई में, तो मेरी बड्डी ने आज सारे बर्तन निकाल दिए बाहर। नाश्ता हो गया? सुबह से मेरे चप्पल छुपे हुए थे, अभी बाहर निकल गए हैं। और ये भी, मैं अमन और पापा जा रहे हैं उत्तरकाशी, थोड़ा बहुत काम है हमारे वो निपटाने हैं। और गाड़ी आज अमन चला रहा है। और अभी हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। सबसे पहले हम जा रहे हैं मम्मी के लिए सामान लेने के लिए, और दिवाली की शॉपिंग के लिए आजकल फील्ड में भी कई दुकानें लग रखी हैं। तो आज उत्तरकाशी में इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है कि सभी लोग आ रखे हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो जितने में हम अपना सामान ले रहे थे उतने में हमें मेरी बुआ का बेटा भी मिल गया है। अला हाय, हेलो, कैसे हो? तो मेरी बुआ लोग भी आज दिवाली की शॉपिंग करने आ रखे हैं मार्केट, तो चलते चलते हमें ये भी मिल गया। और अमन आज 4 साल बाद उत्तरकाशी आ रहा है, वो ये भूल गया उत्तरकाशी में क्या क्या था। इतना आनंद आ रहा है अपनी नगरी का। तो ये इंतजार कर रहा है अपने पुराने दोस्तों का। तो इसके पुराने दोस्त कोई भी ब्लॉग देख रहे हैं तो इसे लेने आ जाए, ये आज यहीं रहना चाहता है अगर इसके कोई दोस्त आ गए। और अगर दोस्त भी नहीं आया अब तो नितेश आ गया। नितेश ये तेरे गले पड़ जाएगा अब। नितेश पढ़ाऊंगा, इसे पढ़ाऊंगा। अच्छा, पहले तो खुद पढ़ ले तब इसे पढ़ाना। अभी मार्केट के हमारे सारे काम निपट गए हैं और आज की जो शॉपिंग है हमने पूरी मम्मी के लिए करी है। और घर जाके अभी भी मुझे मम्मी के लिए शॉपिंग करनी है। और अमन चले गया है अब बुआ के घर में, वो आज बुआ के घर में ही रहेगा। और मैं और पापा जा रहे हैं घर। और मेरी माँ बहुत सीधी है, मेरी मम्मी बहुत भोली है, तो मतलब मेरे पापा ने ना हमारे लिए ना मेरी मम्मी के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रख रखी है, पर फिर भी मम्मी अपने लिए कुछ नहीं लेती है। तो आज हम सोच के आए थे कि जितना भी सामान लेंगे वो सब मम्मी के लिए लेंगे, तो कपड़े से लेकर हो या खाने पीने से लेकर हमने सारा सामान मम्मी की पसंद का ले रखा है। इसके बाद मम्मी के लिए मैं सामान लूँगी घर से। उत्तरकाशी से मैं और पापा तो घर पहुंच गए हैं, और अमन भी शायद आज ही आ रहा है क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। और धूप हमारे पूरे गांव से चली गई है सामने। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर, और अमन ने मम्मी के लिए जूते लाए थे, वो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। मैंने मम्मी के लिए सूट लाया था, वो मम्मी को पसंद नहीं आए हैं। तो मेरी मम्मी को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा महंगे कपड़े लाती हूँ, पर मैं क्वालिटी के कपड़े लाती हूँ, इसलिए मेरी मम्मी को मेरे लाए हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। पर खाने की चीज़ मेरी मम्मी ने सब संभाल दिया, खाने की चीज़ें सब सारी मेरी मम्मी की पसंद की है। बाकी जो चीज़ें हमने सोची थी कि मेरी मम्मी की पसंद आएगी वो चीज़ें मेरी मम्मी की पसंद की नहीं है। कपड़े तो मैं अपनी पसंद के ही लाई हूँ क्योंकि कपड़े मेरे घर में सब मेरी पसंद के पहनते हैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन सब। पर जूते अमन की पसंद के आए, वो भी मेरी मम्मी को पसंद नहीं आए। तो थोड़ी देर घर पे आराम करने के बाद अभी फिर से मैं और अनीता जा रहे हैं बाजार, जो 3-4 दिन से अमन ने मम्मी के लिए सोच के रखा है वो लाने के लिए। तो ये मम्मी का
आज के दिन का लास्ट सरप्राइज है और आज हमारे साथ शेरू भी जा रहा है। बेचारे की एक टांग टूट रखी है, आजकल ये दो कदम चल रहा है और फिर बैठ जा रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ, मतलब ये ब्लॉग बाद में दिखेगा, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए पायल लेने के लिए। मम्मी के पास पायल मोटी मोटी है, पतली वाली पायल नहीं है, तो मम्मी के पैर का ऑपरेशन हो रखा है जिस वजह से मम्मी की पायल नहीं चुभती है मम्मी पे। तो आज मैं सिंपल सी डेली वेयर के लिए मम्मी के लिए पायल लेके आई हूँ, जो कि अमन ने सोचा है, अमन ने देनी थी मम्मी को। और तो उसका कहना ये था कि इस महीने मैं घर आ रखा हूँ, इस महीने जो तेरे पैसे हैं वो मम्मी पे, वैसे मैं मम्मी को सरप्राइज देती रहती हूँ, उसने पहली बार सोचा है। तो YouTube की पेमेंट मेरी है, बाकी खर्चा मम्मी पे कर रहे हैं हम पहली बार, वो कर रहा है, मतलब जब उसकी नौकरी लगेगी तब वो सारे पैसे मेरे वापस देगा, ऐसा उसका कहना है। मेरे को तो भरोसा नहीं है, पर वो बोलता है कि मैं तेरे पैसे सारे वापस दे दूँगा, गूगल पे में हिस्ट्री रखना। तो देखते हैं क्या होता है, इंतज़ार करेंगे अपने पैसों का। और अभी मेरी चाची भी आ गई है धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, और आज हमारे गांव के मार्केट में बहुत चहल पहल हो रखी है। नहीं तो रोज़ सुनसान रहता है, आज लग रहा है कि मार्केट है। मेरी चाची बेचारी गृह जीवन में पड़ रखी है, तो चाची अपने लिए ग्लास वगैरह देख रही है। और सौर्य जब हमारे घर में चाय बनाता है तो उसे चाय देने में दिक्कत होती है, तो मैं ये ले रही हूँ। अब ये चाय बनाएगा और बांटेगा भी। तो भांडे बर्तन लेने के बाद अभी चाची जा रही है अपने लिए सूट लेने के लिए। आज मेरी चाची भी लगी है शॉपिंग करने पे, मेरे चाचा को लूट दिया सारा। इतना महंगा महंगा ले रही वहाँ, तो क्या करना है, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब चाची सूट ले रही है, तो मेरे घर में सब मेरी पसंद का होता है। अगर सूट मुझे पसंद नहीं आया तो मैं फिर से चाची को घर लाऊंगी। अब मेरे चाचा ने मेरी चाची के लिए यहाँ सूट देखे हैं, तो अभी मेरे चाची ने यहाँ पे दो सूट पसंद कर दिए हैं और दोनों मेरी पसंद के हैं। तो अभी अमन भी आ गया उत्तरकाशी से, वैसे ही उत्तरकाशी रह रहा था। चल काम कर अपना, क्यों नहीं रहा उत्तरकाशी? नहीं मिले तेरे दोस्त? नहीं मिले तेरे दोस्त? इरान किसी ने भाव ही नहीं दिया, तो मुंह उठा के आ गया है ये घर, और शुभम भी आ गया है। और जो मैंने मम्मी के लिए गिफ्ट सोचा था वो ये है, ले मम्मी उठा चल अपना गिफ्ट, देखते हैं बेटे ने तिले क्या लाया। तो जितने भी गिफ्ट हमने मम्मी के लिए लाए थे वो सारे मम्मी को पसंद आए हैं, और अब हम बनाएंगे खाना। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।